तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे तत्काल न्यूज लाइव। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में रोजाना के कोरोना के मामले में कमी आ रही है, लेकिन इसके साथ ही उसे फेस्टिव सीजन के बाद मामले बढ़ने की चिंता भी सता रही है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि आने वाले 3 महीने में त्यौहार है, इसलिए हर साल में सभी मास्क पहने और भीड़ से बचे। ICMR के DG बलराम भार्गव ने भी लोगों को समझाइश देते हुए कहा है कि टीका जरूर ले और जरूरत हो तो ही यात्रा करें। त्यौहार सतर्कता के साथ मनाएं और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करें। राजेश भूषण ने बताया कि केरल में इस समय कोरोना के 1,99,000 एक्टिव केस है, जबकि 20 राज्यों में यह संख्या 10,000 से कम हो गई है। उन्होंने बताया कि 11 सप्ताह से वीकली पॉजिटिविटी रेट 3% से कम बनी हुई है, जो अच्छे संकेत है। 34 जिलों में 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी, जबकि 32 जिलों में से 5 से 10% के बीच पॉजिटिविटी रेट है। मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में उन्होंने बताया कि PSA प्लांट्स 3,631 है। फिलहाल देश में 1,595 प्लांट चालू है और 4,571 मीटर स्टॉक है। कोरोना वैक्सीनेशन की स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। 57.86 करोड़ पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 18.70 लोग दोनों डोज ले चुके हैं। 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले 62 लोगों को एक टीका और 20% लोगों को दोनों टीके लग चुके हैं। राजेश भूषण के अनुसार चंडीगढ़ 100% पहली डोज लगा चुका है। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम में बढ़ रहे कोरोना केसों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि आने वाले 2.5-3 महीने में कोशिश रखनी होगी कि सतर्कता बरते। अक्टूबर और नवंबर को लेकर फिक्र है और कुछ लोग कोरोना केस बढ़ने की चिंता जता रहे हैं। इसी समय त्यौहार है और फ्लू भी बढ़ रहा है। पॉल ने कहा कि इन महीनों को लेकर राज्य में अपनी तैयारी भी कर रखे, अगर मामले बढ़ते हैं तो उसके लिए तैयार रहे। एक सवाल पर बलराम भार्गव ने कहा कि बूस्टर डोज अभी सेंट्रल थीम नहीं है और 2 डोज अभी प्राथमिकता है। राजेश भूषण ने कहा कि बुखार का प्रकोप कुछ राज्यों में है। जब भी बारिश रुकती है और पानी ठहर जाता है तो इसे डेंगू होता है। केंद्र की तरफ से इसे लेकर राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं। जून और अगस्त में सभी राज्यों को इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। असम, गुजरात, UP और दिल्ली आदि से डेंगू की मामले में रिपोर्ट हुए हैं। अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा कोरोना की दूसरी लहर को कम करके दिखाने संबंधित रिपोर्ट पर पॉल ने कहा कि हम इसकी आलोचना करते हैं, यह रिपोर्ट सही नहीं है और इसमें तथ्य नहीं है।